Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at Tag TV. Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. ऑन्टेरियो में कोरोना के 790 नए केसेस का इजाफा, सूबे के स्कूलों में 144 नए केसेस रिपोर्ट, जिनमें 66 तुलबा भी शामिल हैं। टोरंटो में कोविड 19 के मस्बत केसेस की शरह 3.1% तक है। ऑन्टेरियो में मास्क मुखालिफ और लॉकडाउन मुजाहरे जारी, एमपीपी रैंडी हिलियर का डकफोर्ड को खुला चैलेंज। डकफोर्ड कहते हैं, हम जमहूरियत पसंद लोग हैं। हुकूमत को जवाबदेह बनाते रहेंगे, कंजर्वेटिव रहनुमाओं का कहना है कि कंजर्वेटिव्स वो काम जारी रखेंगे जो कनाडा के शहरियों ने उन्हें करने के लिए मुंतखब किया है। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी, कोरोना मुतासरीन 2,06,360 हो गए, जबकि हलाकतें 9,008 से तजावुज कर गईं। दुनिया का कोई खिता कोरोना वायरस की मौजी वबा से महफूज नहीं, इसके मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। अमरीका में कोरोना वायरस से अब तक 2,27,419 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं। अमरीका का चीन पर दबाव डालने के लिए ताइवान को अरबों डॉलर के हथियार देने का फैसला। अमरीका ने ताइवान को 1,80,000,000,000 डॉलर के हथियार फरोख करने के मुहिदे की मंजूरी दे दी। ईरान की फिजाई दिफा मजबूत करने के लिए जंगी मशकें, जदीद लड़ाका तैयारे और ड्रोन्स शामिल। ब्रिगेडियर जनरल कादिर रहीमजादा कहते हैं, इन मशकों के दौरान फिजाई दिफाई निज़ाम को हकीकी जंगी सूरतहाल के तनाजुर में टेस्ट किया जाएगा। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर, आला क्लीन क्वालिटी, 75% फूड ग्रेड अल्कोहल, नॉन स्टिकी और नॉन ऑयली फार्मूला। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। पर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 905-956-6699। ऑन्टेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि सूबा अपने ऐलान करदा 176 मिलियन डॉलर में से बच्चों और नौजवानों के लिए सेहत के प्रोग्राम के लिए 24 मिलियन डॉलर के फंड्स मख्तस करेगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस के मजीद 790, टोरंटो में 346 और ओटावा में 57 केसेस रिपोर्ट हुए। टोरंटो में फिलहाल कोविड 19 के मुस्बत केसेस की शरह 3.1% देखने में आ रही है, जबकि शुमाल मगरब में मुस्बत केसेस की ये शरह बाकायदगी से 10% उबूर कर रही है। ऑन्टेरियो में गुज़िश्ता रोज 790 कोविड 19 के ताज़ा केसेस रिपोर्ट हुए, जो कि हुकूमत के जाँच के दर्जे के हदफ से काफ़ी नीचे हैं। जैसा कि मुस्तकिल तौर पर गुज़िश्ता 2 माह में देखा गया कि नए तस्दीक शुदा केसेस की तादाद टोरंटो में 321, पील रीजन में 157, यॉर्क रीजन में 76 और ओटावा में 57 रिकॉर्ड की गई है। सूबे के स्कूलों में 144 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें 66 तुलबा भी शामिल हैं। वजीर सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 32,600 टेस्ट किए गए, जबकि वजीर सेहत और प्रीमियर डग फोर्ड का कहना है कि फिलहाल रोजाना 50,000 टेस्ट की गुंजाइश मौजूद है। ऑन्टेरियो में जिन लोगों ने टेस्ट करवाया है वो 24 से 48 घंटों बाद अपनी रिपोर्ट हासिल कर सकते हैं। जनवरी के आखिर में ऑन्टेरियो में कोविड 19 के 66,686 केसेस में से 86% सेहतियाब हो चुके हैं। फिलहाल सूबे भर में फाल केसेस की तादाद 6,299 है, जबकि 9 हलाकतों के बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर मजमू तौर पर 3,062 हो गई है। ऑन्टेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि सूबा अपना ऐलान करदा 176 मिलियन डॉलर में से बच्चों और नौजवानों के लिए सेहत के प्रोग्रामों के लिए 24 मिलियन डॉलर के फंड्स मुख्तस करेगा। नए आदाद शुमार के मुताबिक शहर भर में 25,278 कोरोना के केसेस मौजूद हैं, जबकि मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर एलन ने कहा है कि
वायरस से मुतासिरा 128 अफराद अस्पतालों में मौजूद हैं, जिनमें से 28 मरीजों का इजाफा हुआ है। एमपीपी रैंडी हिलियर ने मास्क मुखालिफ मुजाहिरे के दौरान डकफोर्ड को चैलेंज कर दिया। कहते हैं कि मैं चाहता हूँ आप खौफजदा हों। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एमपीपी रैंडी ब्लेयर ने मास्क मुखालिफ मुजाहरे के दौरान डकफोर्ड को चैलेंज कर दिया। कहते हैं कि मैं चाहता हूं आप खौफजदा हो। चूंकि पूरे शहर में मास्क मुखालिफ और लॉकडाउन रैलियां चल रही हैं, डकफोर्ड का कहना है कि वो पुरअमन एहतजाज के हक में हैं। एमपीपी रैंडी ब्लेयर की क्यादत में क्वींस पार्क के बाहर जमा होने वाले मुजाहरीन ने सूबे के हिफाजती इकदाम को चैलेंज किया। एमपीपी रैंडी ब्लेयर ने कहा कि डकफोर्ड ने हमारी आजादी और जिम्मेदारियों को खत्म करने के लिए अवामी राय का इस्तेमाल किया है। मैंने डकफोर्ड को चैलेंज किया है कि वो टोरंटो में पुलिस भेजे। मैं मुंतजिम हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो इन गैर कानूनी कवानीन पर अमल करें जो उन्होंने नाफिज किया है। डकफोर्ड का कहना था कि मैंने एहतजाजी मुजाहरीन का क्वींस पार्क में खैर मकदम किया है, लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ थोड़ा तशद्दुद भी हुआ है जो कि नाकाबिल कबूल है। हम जमहूरियत पसंद हैं, एहतजाज करना आजादी इजहार का हिस्सा है, लेकिन एहतजाज के दौरान तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाया जाना चाहिए। वाज़ह रहे कि एमपीपी रैंडी ब्लेयर ऑन्टेरियो के लॉकडाउन के इकदामात पर अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए आवाज उठाते रहे हैं और डकफोर्ड को कोई कोई मौकों पर चैलेंज भी किया गया है। न्यू डेमोक्रेट्स और ग्रीन मेंबरान पार्लियामेंट ने मुबैना लिबरल बदउनवानी की तहकीकात के लिए एक नई कमेटी तश्कील देने की तहरीक को शिकस्त देने का फैसला करते हुए लिबरल्स का साथ देने का इंतखाब किया है। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो और वफाकी लिबरल अक़लियत ने बिलाखिर वबाई अमराज में इंतखाबात से बचने के लिए काफी पुश्त पनाही हासिल कर ली है। हुकूमत ने 180 में से 146 वोट हासिल कर लिए। न्यू डेमोक्रेट्स और ग्रीन मेंबरान पार्लियामेंट ने मुबैना लिबरल बदउद्वानी के तहकीकात के लिए एक नई कमेटी तश्कील देने की तहरीक को शिकस्त देने का फैसला करते हुए लिबरल्स का साथ देने का इंतखाब किया। NDP रहनुमा जगमीत सिंह का कहना है कि उनकी पार्टी ट्रूडो हुकूमत को COVID-19 के दौरान कैनेडा के इंतखाबात में भेजने की कोई वजह नहीं देगी। कंजर्वेटिव लीडर्स का कहना था कि कंजर्वेटिव वो काम जारी रखेंगे जो कनाडा के शहरियों ने हमें करने के लिए मुंतखब किया है। हम जस्टिन ट्रूडो और उनकी हुकूमत को जवाबदेह बनाते रहेंगे और उनसे जवाबात हासिल करेंगे जिनका उन्हें हक है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9,829 है। कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 2,06,360 हो गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तला के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 2,06,360 हो गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9,829 है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमू केसेस की तादाद 96,288 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 6,074 तक पहुँच चुकी है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस के मुतासरीन की मजमू तादाद 66,686 तक जा पहुंची है। सूबे में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 3,062 है। अल्बर्टा में 23,402 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, जबकि 296 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 12,057 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 256 है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 4,15,51,565 तक जा पहुंची है, जबकि इस मौजी वायरस से हलाकतें 11,37,334 हो गईं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। दुनिया का कोई खिता कोरोना वायरस की मौजी वबा से महफूज नहीं। इसके मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 4,15,51,565 तक जा पहुंची है, जबकि इस मौजी वायरस से हलाकतें 11,37,334 हो गई। अमेरिका कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर मुल्क है, जहां इस वायरस से अब तक 2,27,419 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमू तादाद 85,788 हो चुकी है। भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया है, जहां कोरोना से 1,16,681 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासर मरीजों की तादाद 77,08,947 हो गई। कोरोना मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राजील तीसरे नंबर पर चला गया है, जहाँ ये वायरस 1,55,459 जिंदगियाँ निगल चुका है, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 50,30,000
6,649 तक जा पहुंची है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 25,242 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 14,63,306 हो चुकी है। बांग्लादेश में कोरोना वायरस ने 5,747 अफराद की जिंदगी का खात्मा कर दिया है, जबकि यहाँ 3,94,827 कोरोना केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 5,235 रिपोर्ट हुई है, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,45,373 तक जा पहुंची है। अमरीका ने चीन पर दबाव बढ़ाने के लिए ताइवान को हथियार की बड़ी खेप फरोख करने की मंजूरी दी है। ताइवान की वजारत दिफा ने कहा है कि अमरीका से मिलने वाले हथियार ताइवान की जवाबी सलाहियतों को मजबूत करेंगे और एक ओझल जंगी माहौल में इसे मुस्तकम करेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका ने चीन पर दबाव बढ़ाने के लिए ताइवान को हथियार की बड़ी खेप फरोख करने की मंजूरी दी है। अमेरिकी दिफाई इदारे पेंटागन का कहना है कि ताइवान के साथ 3-वेपन सिस्टम का मुआहदा तय पाया है, जिसमें रॉकेट लॉन्चर्स, सेंसर्स और आर्टिलरी शामिल हैं। इस सिलसिले में ताइवान के वजारत दिफा ने कहा है कि अमेरिका से मिलने वाले हथियार ताइवान की जवाबी सलाहियतों को मजबूत करेंगे और एक ओझल जंगी माहौल में इसे मुस्तहकम करेंगे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मुआहदे में 135 गाइडेड क्रूज मिसाइल, मोबाइल लाइट रॉकेट लॉन्चर समेत जंगी तैयारों के साथ मुंसलिक किए जाने वाले जासूसी पोर्ट्स भी शामिल हैं। चीन और ताइवान के दरमियान हालिया सालों में कशीदगी में इजाफा हुआ है और बीजिंग ने आइसलैंड को वापस लेने के लिए फोर्सेस के इस्तेमाल के इम्कान को रद्द नहीं किया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर रॉबर्ट ब्राइन का कहना था कि उन्हें यकीन नहीं था कि चीन ताइवान पर हमला करने के लिए तैयार है। ताइवान को मुस्तकबिल में खुद को महफूज करने की जरूरत है। ख्याल रहे, चीन का दावा है कि ताइवान इसका अटूट अंग है, लेकिन ताइवान खुद को एक अलहदा वतन करार देता है। बरतानवी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हालिया महीनों में अमरीका ने ताइवान के साथ अपने रबतों में तेजी की है और अगस्त में अमरीका के अहम तरीन सियासतदान ने कई सालों बाद ताइवान के सदर से मुलाकात की थी। चीन ने अमरीकी सियासतदान और ताइवान के सदर की मुलाकात की शदीद मजम्मत की और कहा कि अमरीका ताइवान के मामले पर कोई गलत पैगाम ना दे। ईरान ने फिजाई दिफा मजीद मजबूत करने के लिए जंगी मशकें की, जिनमें जदीद जंगी जहाजों और ड्रोन ने हिस्सा लिया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। ताज़ा ईरानी मशकों में ज़मीन से फिजा तक मार करने वाले नए मिसाइल भी शामिल हैं। ब्रिगेडियर जनरल कादिर रहीम ज़ादा ने कहा कि इन मशकों के दौरान फिजाई दिफाई निज़ाम को हकीकी जंगी सूरत हाल के तनाजर में टेस्ट किया जाएगा, ताकि किसी भी बैरूनी हमले की सूरत में मुल्की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जा सके। मशकों में ईरानी फिजाइया के जदीद लड़ाका तैयारों के अलावा मकामी सतह पर तैयार करदा ड्रोन की सलाहियत भी आजमाई जा रही है। ईरानी हुकाम का कहना है कि अमरीका की जानिब से पाबंदियों की नई कोशिशें भी नाकाम होंगी। वाज़ेह रहे कि ईरान पर अक्वामे मुत्तहदा की जानिब से असलहे की खरीदारी से मुतालिक आयद करदा पाबंदी 18 अक्टूबर से खत्म हो गई है, जिसके बाद से ईरान ने असलहा खरीदारी से मुतालिक पेशरफ में इजाफा किया है। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैक टीवी। सब्सक्राइब टैक टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।